नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट रामपाइली से। ग्राम मंगल यात्रा का सफल आयोजन। बालाघाट जिले की ऐतिहासिक धार्मिक नगरी रामपाइली में भगवान श्री राम बालाजी मंदिर प्रांगण में चंदन नदी के किनारे मंगल यात्रा का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन श्री राम सेवा समिति रामपाइली द्वारा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कटंगी, जरा मोहगाव, लिंगमारा, खैरलांजी, वारासुनी, टिकाड़ी घाट चारों दिशाओं से ढोल नगाड़ों के साथ जय श्री राम का घोष करते हुए पदयात्रा रामपाइली पहुंची। यहां बस स्टैंड पर भव्य स्वागत किया गया। पदयात्रा में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, युवा वर्ग एवं बुजुर्ग सभी साथ चल रहे थे। यात्रा रामपाइली पहुंचने पर भगत सिंह चौक पर मुस्लिम समाज द्वारा जलपान का आयोजन भी किया गया, जो कौमी एकता का प्रतीक है। लोगों ने श्री राम मंदिर रामपाइली में पूजा अर्चना की। इस मंगल यात्रा में श्री राम मंदिर के सामने 24 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्य आकर्षण का केंद्र अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम मंदिर का नमूना पेश किया गया, जो सागौन की लकड़ी से निर्मित था। पदयात्रियों के द्वारा सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। पदयात्रा में पहुंचे कलाकारों द्वारा मंच पर रामलीला का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन, कटंगी विधायक गौरव पारधी, वारासुनी विधायक विवेक पटेल एवं पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। Bye-bye.